दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसका रिजल्ट आज ही आ चुका है। दोपहर में 12 बजे आया है, मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो चुकी थी क्योंकि मैं एक जगह पर चल गया था। तो दोस्तों, कौन कौन से लड़के सेलेक्ट हुए हैं उसका पूरा रिजल्ट मैं PDF बनाकर आपको इस YouTube चैनल पर दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस YouTube चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, रिजल्ट के बारे में कुछ नया जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड का जो DB ब्रांच है उसका रिजल्ट दोपहर को 12 बजे के करीब में किया गया है, रिलीज़ किया गया है। ये सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अभी शो कर रहा है, अभी सरकारी रिजल्ट या रिजल्ट 24/9 पर शो नहीं कर रहा है। तो मैं जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है। तो इसमें कुल 52 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और जानने वाली बात है कि नॉर्थ जोन से, जो बिहार, UP और झारखंड नॉर्थ जोन से, वहाँ से सिर्फ 21 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, यानी 50% लड़के सिर्फ नॉर्थ जोन से सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लड़के बार बार मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आ गया है रिजल्ट उसके बारे में कुछ बता दीजिए। और देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और उसकी क्या क्या ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं DB ब्रांच में, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो रिज़ल्ट आया उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसका एक PDF ही बना के रखा हूं, तो मैंने सोचा आपको यही शो करा दूँ। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप GD में लेकर जाते हैं INS चिल्का में मेडिकल के लिए, वही आपको सब चीज़ें इसमें लेकर जानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आ चुका हूँ और ये सबसे पहले आप देख लीजिए जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं। देखिए, लिस्ट फॉर द फाइनल मेडिकल लिस्ट, यही मैं बोलता हूं तो लड़के बार बार पूछते हैं कि सर ये आप क्या बताते हैं। तो फाइनल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेटर इन INS छिलका नाविक GD, ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है ये फाइनल मेडिकल का लिस्ट आया है, वो भी आपको INS छिलका में जाकर इसका मेडिकल कराना पड़ेगा। और अंडर मेंशन द पर जोन, देखिए अब ये आपको कब कब जाके जाना पड़ेगा। डेट ऑफ द रिपोर्टिंग फॉर द INS छिलका, 17 अप्रैल को आपको रिपोर्टिंग करनी है सुबह 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे आपको 17 अप्रैल को रिपोर्टिंग कर दी INS छिलका में। और जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में से 21 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, ये उनका रोल नंबर है, अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। और ईस्ट जोन से इतना लड़के सेलेक्ट हुए हैं, और वेस्ट जोन से आपका 14 और ईस्ट जोन से आपका 13 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। तो इन लड़कों का ये सब है, ठीक है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये लेकर नहीं जाएंगे तो INS छिलका से आपको वापस आना पड़ेगा। जो आपने ई एडमिट कार्ड लिखा है उसका 4 कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा। कॉल लेटर फॉर द फाइनल मेडिकल लिस्ट VR रिसीव बाई द स्पीड पोस्ट, इस पोस्ट के द्वारा आपको कॉल लेटर आपकी आ जाएगी। ओनली ओरिजिनल फॉर 3 कॉपी, द लेटर नॉट बी ट्रेडेड फॉर द अपॉइंटमेंट लेटर, ये लेटर जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, सिर्फ कॉल लेटर है। ब्लू बैकग्राउंड कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 कॉपी आपको लेकर जानी पड़ेगी। उसके नाम नंबर 4 में ओरिजिनल पेन, ओरिजिनल प्राण फोटोग्राफ और SSC 5 विद द ब्लू बैकग्राउंड, ये प्राण कार्ड आपका पेन कार्ड ही समझ लीजिए इसको। नंबर 5 की बात करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेगी, 1 कॉपी ओरिजिनल और 10 कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड, यानी उस पर साइन करके लेके जाना पड़ेगा, 10 कॉपी जीरोक्स। नंबर 6 की बात कर ले, क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ओनली 1 कॉपी ओरिजिनल और 10 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी 10 कॉपी उसकी लेके जानी पड़ेगी। नंबर 7 की बात कर ले, आइडेंटिटी फ़ोटो सर्टिफिकेट एनी वन एमोंग, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं आप, वोटर कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कॉलेज ID फोटो कोई भी लेके जा सकते हैं, और उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी आपको INS छिलका में लेके जाना है।
अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय एसटी एससी या ओबीसी फॉर्म फिलअप किया है तो उसकी भी आपको लेकर जाना होगा, जो आप एग्ज़ाम में दिए होंगे सब वही आपको लेकर जाना पड़ेगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 की बात करने हैं, पेरेंटियल विलिंग सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल 3 कॉपी फॉर्मेट अवेलेबल इन द कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड। इसमें क्या होगा तो आपको ये मेंशन करके जाना होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी, इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। इसमें आपके जो पेरेंट्स होंगे उसमें फिलअप करेंगे कि आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग के दौरान अगर मुझे कुछ बच्चे को हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोस्ट गार्ड के ऑफिसर नहीं होंगे, यही आपको फिलअप करना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 ओरिजिनल और 3 कॉपी ड्यूली कंस्ट्रक्शन बाय द एसपी ऑफिस फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट। वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी आपको लेना है और आपको अपने एसपी ऑफिस में जाकर वहां से इसको साइन करवा लेना है। नंबर फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट 1 कॉपी आपको ये भी इंडियन वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको लेना है, सिर्फ आपके माता पिता उसमें फॉर्म भर देंगे और साइन कर देंगे, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको नहीं भी मिलेगा तब आप मुझे बोलिएगा, मैं निकाल कर भेज दूंगा आप लोगों के पास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका इंपॉर्टेंट है वो जो जिस समय आप एग्ज़ाम देते हैं वही। एटेशनल फॉर्म पर द 3 कॉपी ओरिजिनल फॉर्मेट अवेलेबल, ये भी वहीं से निकल सकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट अवे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है और लेकर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और उस पर मुखिया से और या साइन करवा लेना है। विलेजियन सर्टिफिकेट ये भी कोई इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर इसी को लेकर से फॉर्म फिलअप कर लेना है, इसको फिलअप करके लेके जाना है। आधार कार्ड की 10 कॉपी और पैन कार्ड की 10 कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। अब देखिए, सीरियल 1 to 14 आर द मैंडेटरी फॉर द अपेयरिंग इन द फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आई एस चिल का। आधार कार्ड पैन कार्ड विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट क्लियर फॉर द फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन बी डाउनलोड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। आपको बोल रहा है कि अगर ये आपका पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में भी बनवा सकते हैं, क्योंकि आपका जो वहाँ पर बैंक अकाउंट खुलेगा वो आधार कार्ड पैन कार्ड के द्वारा खुलेगा, लेकिन 1 से लेकर 14 तक आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। तो ये थी, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ मुझसे वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर डेफिनेटली रिप्लाई दे दूँगा, या आपको कोई भी फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो मुझसे बोलिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो थैंक यू सो मच।